आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरी क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा ए सर्कुलर डिस्क ऑफ ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी इज रोटेटिंग इन ए होरिजोनटल प्लेन अबाउट इट सिमेट्रिकल एक्सेस विद ए कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई अनदर डिस्क ऑफ ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी इज ड्रॉप को एक्सली ऑन टू द रोटेटिंग डिस्क

और ये अपने सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है ओके okay, और यहाँ पे जो इसका इनिशियल एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है अब क्या, रहा है? है। क्या है? है, हो रहा है यहाँ पे हमारा एक दूसरा डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई बी है जो कि ड्रॉप हो रहा है कोएक्सली ओके okay, तो को ऐसे रखा हुआ है ओके okay, तो जो इनिशियली यहाँ पे एंगुलर स्पीड है इस डिस्क का जो कि सेकेंड है इसका कुछ भी नहीं है जीरो है

तो यहां पे कोई भी हमारा देखो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो यहां पे हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओके तो अब यहां पे देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो फर्स्ट डिस्क है ओके okay, वो क्या गिवन है आई टी ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट डिस्क ओके वो क्या गिवन है मैं आई टी गिवन है ओके okay, और इसका इनिशियल स्पीड कितना एंगुलर ओमेगा यहाँ पे फाइनल जो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ओके okay, और यहाँ पे फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों डिस्क का मिला के सो आई टी प्लस आई ओके ये हो जाएगा और ओमेगा एफ है यहां पे इनका फाइनल स्पीड ओके तो यहां पे हम लगा सकते हैं क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ओके ये अप्लाई कर सकते हैं यहां पे। तो जे इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा ओके तो सिंपली यहां पे क्या आ जाएगा आई आई ओमेगा टू आई एफ ओमेगा एफ ओके ये आ जाएगा तो अब यहां से देखो आई आई इक्वल है आई टी के इक्वल है और ओमेगा ओमेगा आई है और आई एफ किसके इक्वल है आई टी प्लस आई वी और इन टू में ओमेगा एफ ओके तो यहां से देखो ओमेगा एफ की जो वैल्यू है वो क्या आ जा रही है यहाँ से हमारी आई टी ओमेगा अपॉन में क्या आ जाएगा आई टी प्लस आई बी ओके यहां से हमारा फाइनल स्पीड इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंगुलर स्पीड ओके अब यहाँ पे देखो एनर्जी लॉस जो होगा वो कितना होगा यहाँ पे हमारा एनर्जी लॉस ओके सो एनर्जी लॉस यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रोटेशन के कारण यहाँ पे देखो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ओके okay, तो उसमें हमारा लॉस कितना होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ आई फाइनल ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ आई इनिशियल ओमेगा स्क्वायर ओके डेल्टा की क्या हो गया के एफ माइनस के आई मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सो वन बाई टू और आई एफ किसके इक्वल है आई टी प्लस आई वी के इक्वल और ओमेगा एफ ओके तो अभी इट इज रखते हैं ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ आई टी और ओमेगा ए एक किसके इक्वल है यहाँ पे हमारा ओमेगा ए स्क्वायर ओके सो नाउ आप क्या करते हैं यहाँ से यहां से हम देखो वैल्यू पुट कर देते हैं ओमेगा एफ सो so, डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन बाई टू आई टी प्लस आई वी और ओमेगा एफ किसके आई टी प्लस आई वी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ आई टी ए का स्क्वायर ओके सो सिंपली यहां से हमारा कितना आ जाएगा देखो वन बाई टू आई टी प्लस आई वी और ये आ जाएगा यहाँ से हमारा आई टी अपॉन में क्या आ जाएगा आई टी प्लस आई वी का होल स्क्वायर तो एक पावर से ही, ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस ऑफ दिस हाफ आई टी ओमेगा स्क्वायर ओके सो नाउ इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये कितना बच रहा है यहाँ पे हमारा वन बाई टू आई टी स्क्र ओमेगा आई स्क्वायर और अपोन में क्या रह रहा है यहाँ पे हमारा आई टी प्लस आई और माइनस ऑफ हाफ आई टी ओमेगा स्क्वायर ओके नाउ यहाँ से देखो क्या करते हैं यहां से हम लोग हाफ वन बाई टू आई टी ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है वैसे है आई टी अपोन में आई टी प्लस आई वी ओके और माइनस का यहाँ पे हमारा वन नाउ so, इसको थोड़ा फिर से सिम्प्लीफाई करते हैं सो वन बाई टू आई टी ओमेगा स्क्वायर और यहां से ये कितना आ जाएगा आई टी माइनस ऑफ आई टी और माइनस ऑफ आई बी ओके और अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आई टी प्लस आई वी ओके okay, तो यहां से आई से आई कैंसिल आउट हो गया माइनस ऑफ क्या बचा यहाँ पे हमारा आई वी माइनस ऑफ हाफ आई टी ओमेगा स्क्वायर और इंटू में क्या बचा यहाँ पे हमारा आई वी और अपॉन में क्या आ जाएगा आई टी प्लस आई ओके सो यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन नहीं यहाँ पे देखो इसको मैं मान लेता हूँ ओमेगा एफ की वैल्यू इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं ओके okay, तो इक्वेशन फर्स्ट से ओमेगा एफ इक्वल टू क्या है आई टी ओमेगा आई टी ओमेगा तो यहाँ पे देखो माइनस ऑफ हाफ आई टी ओमेगा अपॉन में क्या आ जाएगा आई टी प्लस आई वी ओके इन में आई वी ओमेगा ई लिख सकते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट से आई टी ओमेगा ई अपॉन में आई टी प्लस आई की जगह क्या रख सकते हैं ओमेगा फाइनल सो यहाँ पे हमारा ये कितना जाएगा वन बाई टू यह आ जाएगा आई ओमेगा आई इनटू में ओमेगा एफ ओके तो ये आ गया हमारा एनर्जी में लॉस ओके तो इतना हमारा एनर्जी यहाँ पे लॉस होगा ओके डेल्टा के